फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही ऐसा ईयर होता है जहां पे तेरे पास टाइम मिलेगा, आफ्टर सेकेंड ईयर तुम नहीं कर पाओगे। हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं डिस्कशन करूंगा अगर मणिपाल आ रहे हो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है, कौन सा ओरिजिनल कौन सा जीरोक्स, इस चीज के ऊपर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। अगर मणिपाल जयपुर आ रहे हो उस केस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करूंगा। और दूसरा चीज ये था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखा था आस्क योर डाउट, मेरे को कोई भी रिलेवेंट डाउट नहीं लगा है, 3 से 4 लगा है, मैं उसे कवर कर दूंगा। अगर और कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे तुम कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा। मैं नहीं चाह रहा 2-3 डाउट को ही क्लियर करूं, मैं चाहता हूं कम से कम 15-20 डाउट, जो भी डाउट है तुम्हारा, बार बार एक चीज के रिगार्डिंग वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं मैं। प्लीज जो भी डाउट आ रहा है मेरे से पूछो। जैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाँ, मणिपाल मेन कैंपस का जो भी मतलब लोअर ब्रांच है उसका क्या प्लेसमेंट है, और जयपुर वाले का CSE IIT क्या, उसका कंपेरिजन करूंगा मैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। और वैसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही ऐसा ईयर होता है जहाँ पे तेरे पास टाइम मिलेगा, आफ्टर सेकेंड ईयर तुम नहीं कर पाओगे। अगर देखो जैसे मेरी ही बात कर लो, मेरा इतना मैं अर्न कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, एक साल 4 महीने मैं कंप्लीट दिया हूँ शेयर मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग पे, ठीक है। उससे मेरा इतना अर्न होता है जो मैं यहाँ का अपना हॉस्टल फी देता हूँ, जो मैं PG से रहता हूँ उसका फी देता हूँ। अगर चाहते हो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूँ, फर्स्ट ईयर आने के बाद तुम क्या करो, जिससे देखो ऐसा नहीं है मतलब मनी इशू कोई नहीं है, बट खुद का अर्न करके तुम कॉलेज का हॉस्टल फी या फिर तुम PG फी या फिर अपना ट्यूशन फी दोगे ना, वो अलग चीज़ होगा। अभी तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, अगर चाहिए होगा इसके रिगार्डिंग वीडियो तो प्लीज़ मेरे को बताना। मैं लगभग एक स्किल होता है ना, 100 के उतने उसका व्हाट्सअप चेक करता, मैं शेयर चेक करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कोई स्किल नहीं सिखाने वाला हूँ जो मतलब अपने आगे एक जोड़ो पीछे एक जोड़ो आगे पीछे जोड़ते रहो, जोड़ने उड़ने वाला कोई स्किल नहीं है। मैं ऐसा स्किल सिखाऊंगा जिसे सीखने के बाद एटलीस्ट हाँ तुम BTech को भी छोड़ सकते हो, ऐसा ऐसा स्किल है तुम्हारा, ठीक है। जस्ट मैं एक सेकंड स्किल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जस्ट अगर मेरे को सक्सेस मिला उसमें तो मैं ट्राई करूंगा रिवील कर देने का। चलो मैं बताता करता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को तुमको कैरी करना, कौन सा ओरिजिनल कौन सा फोटोकॉपी, उससे जस्ट मैं मेंशन कर दूंगा। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, क्लास 10th का तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों तुमको कैरी करना पड़ेगा। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और तुम्हारा मार्कशीट दोनों को कैरी करना होगा। सेकेंड नंबर पे क्लास 12th का मार्कशीट, अगर नहीं मिला है तेरे को तो हाँ तेरे पास फोटो कॉपी, तुम उसे भी सबमिट करोगे अभी। उसके बाद बात करूं मैं थर्ड नंबर पे तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर पे तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट, और फोर्थ नंबर में तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल। और फिफ्थ नंबर में बात करूं तुम्हारा तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल। उसके बाद सिक्स नंबर में बात करूं तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल, इस चीज को याद रखना। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तेरे को बनाना पड़ेगा, स्टाम्प जो यूज करोगे उसमें 50 या फिर 100 दोनों में किसी का यूज कर सकते हो, तुमको क्या कैरी करना पड़ेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद एंटी ड्रग्स सर्टिफिकेट तुमको वो भी करना पड़ेगा, एंटी ड्रग्स सर्टिफिकेट भी तेरे को बनाना होगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी तेरे को बनाना पड़ेगा। उसके बाद COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट ये भी तेरे को कैरी करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं है, चाहते हो कैसे बनाया जाता है, जैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनाया जाता है, ऐसे सब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एंटी ड्रग सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा एक डिस्कशन कर देने का। और वैसे बच्चे जो कि जयपुर कैंपस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आए हैं, चाहे वो जेई मेंस के थ्रू पे या फिर बोर्ड के थ्रू पे, उसे वो भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा किस बेसिस पे तुम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में ज्वाइन किए हो। जैसे मैं बात करूं, अगर जेई मेंस के थ्रू आए हो तो जेई मेंस का स्कोर कार्ड तुमको कैरी करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना। जिस चीज के थ्रू एडमिशन लियो उस चीज को तुम कैरी करना पड़ेगा। सर यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो गया हो, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक के बनाऊं, जिसके रिगार्डिंग मेरे को रहेगा कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि 2 से 3 के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी मतलब सब कुछ हो चुका है, जस्ट मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं, कौन कौन सा क्लब को ज्वाइन करना है तुम्हारा मेन कैंपस में, जयपुर वाले में, बैंगलोर वाले में, उसके रिगार्डिंग वीडियो बन रहा है तुम्हारा। अगर फर्स्ट ईयर में आने के बाद तुम क्या स्किल के ऊपर काम कर सकते हो, एटलीस्ट 9 to 10,000 rupees तुम मतलब होता है ना, अगर मेहनत करोगे ज्यादा तो उतना हफ्ता भर में भी कमा लोगे। अगर चाहिए होगा इसके रिगार्डिंग तो प्लीज मेरे को बताना, मैं ट्राई करूँ इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। बस अगर लगता हो मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कौन कौन सा है तुम्हारा फर्स्ट ईयर में आने के बाद, कौन कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा फोकस किया जाए, कोडिंग कहाँ से सीखा जाए, मैं बता देना चाहता हूँ। यार देखो कॉलेज के साथ साथ अगर तुम कुछ अच्छा स्किल डेवलप कर लोगे अपना, तो फोर्थ ईयर आते आते ना कॉलेज प्लेसमेंट से तुम अर्न कर लोगे। इसी कल से कोई स्किल के ऊपर काम करो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। अगर मैं ट्राई करूंगा कुछ कुछ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सब कर रहे हैं,
मैं ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाना मेरे को, मैं इसी तरह तुम सभी तक वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।